तो मैकेनिक दोस्तों काफी मशक्कत के बाद देखें एंडोरेंस का ये जो है पार्ट्स मिल चुका है और कंप्लीट जो है इसके अंदर जेन्युइन ही असेंबल कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे देखें आफ्टर मार्केट ये लगा हुआ था साय का, तो इसको हम यहाँ से साइड करते हैं और इसका असेंबलिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखें एंडोरेंस जो कंपनी रिकमेंडेड सोकर असेंबली रियर फ्रंट और डिस्क पैड कंपनी रिकमेंडेड एंडोरेंस का ही आता है और लोगो भी देखें एंडोरेंस का यहाँ पे। अब चलिए इसको लुब्रिकेट कर लेते हैं इसके दोनों पिन को। टाइम काफी कम है, कस्टमर को काफी दूर जाना है, इसलिए इन सारे डस्ट पार्टिकल को आप इग्नोर कीजिएगा। सर्विस के टाइम इनकी क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। अब चलिए इसको लुब्रिकेट करके इसको असेंबल करते हैं और डिस्क का फ्रिक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है कि नहीं वो आपको बताते चलते हैं। तो देखें इस पिन को इस तरह से असेंबल करने के बाद इसको पुश कर देना है, ये लग जाएगा काफ़ी इजीली। और उस कंडीशन में इस वायरिंग हार्डनेस को काफ़ी खासा ध्यान दें ताकि व्हील में लगने के बाद ये टूटे ना। अब क्या है कि इसके ऊपर यहाँ पे जो पिन होता है इस पिन का अटैचमेंट करना है, तो चलिए इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार से लग गया है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इसको असेंबल कर दिए हैं और यहाँ पे ये जो लॉक है इसको इस जगह पे डालना ना भूलें। तो यहाँ पे इस पिन को अटैचमेंट कर दिए और ये देखें इस पाइपलाइन को यहाँ पे अटैच कर दें ताकि ये व्हील से लगने के बाद इसका पाइपलाइन कटे ना। इसको फिक्स कर दिया और इसके साथ साथ इस वाले चीज को भी यहाँ जो ये सेंसर के वायर हैं इसको भी साथ ही साथ अटैच करते रहें ताकि ये कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब चलिए इसके ब्रेक को प्रेस करते हैं और इसके अंदर ये देखिए कंप्लीट पूरी तरह से टाइट हो चुका है। तो मैकेनिक दोस्तों देखें एंडोरेंस का मैंने डिस्पैड डाला और यहाँ पे भी देखें तो इसका जो असेंबली है वो भी एंडोरेंस का, यानी यहाँ पे डी का कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब देखिए व्हील का देखें पूरा फ्री प्ले और ब्रेकिंग देखें, यहाँ ब्रेक पेडल भी दिखा दो इस जगह पर, ये देखिए प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, यानी काम एकदम प्रॉपर हो चुका है। अब चलिए गाड़ी को डिलीवर कर देते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से सीखने लायक मिला हो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो लाते रहें। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका इसलिए साउंड थोड़ा सा क्रिएट हो रहा क्योंकि ये प्लेट जो है काफी कंडीशन खराब हो चुका है, ये देखिए थोड़ा सा इसलिए साउंड क्रिएट हो रहा है, ये कुछ समय में ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा।